नमस्कार, मैं रीमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि किचन में। आज मैं बनाऊंगी आलू के पकौड़े और ये बनाना बहुत ही आसान है, आप अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे घंटे के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए देख लेते हैं हमें आलू के पकौड़े बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आलू पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन एक कटोरा, आलू 3, इसे छीलकर धो के इस तरह काट लिए हैं, बेकिंग पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हरी धनिया पत्ती थोड़ी सी कटे हुए, नमक, जीरा 1/2 चम्मच, अजवाइन 1/2 चम्मच, पानी। सबसे पहले इस बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। इस बेसन को एक बड़े बर्तन में रख लिए हैं। अब सभी मसाला इसमें डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा, नमक 1 चम्मच या फिर अपना टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, अजवाइन, बेकिंग पाउडर, हरी धनिया पत्ती। सभी को अच्छी तरह मिला देना है। सभी मसाला को इसमें मिला दिए हैं। अब इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेते हैं। बेसन का घोल तैयार हो चुका है। इस तरह का घोल तैयार करना है। पैन को गरम कर लेते हैं। पैन गरम हो चुका है। अब इसमें तेल डालेंगे। इसमें 1 छोटा कटोरा तेल डाले हैं। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें कटे हुए आलू को बेसन में लपेटकर इस तरह डालना है। इसी तरह सभी आलू को बेसन में लपेटकर डालेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है। दो मिनट बाद इसे पलट देना है। इसी तरह पलट पलट कर पकाना है इसे। ये आलू के पकौड़े अच्छी तरह पक चुके हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसे पकने में 5 मिनट लगे हैं। इसी तरह सभी पकौड़े को तलेंगे। ये आलू के पकौड़े पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।